गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। इस कपड़े वपड़े सबको इग्नोर करना क्योंकि हम पीजी में रहते हैं। सो गाइस, आप जब हम जा रहे हैं काइट फेस्टिवल में एंड यहाँ पे हमारे दोस्त अनिरुद्ध बैठे हैं, अपना लैपटॉप वैपटॉप में सब कुछ काम में लगे पड़े हैं। एंड अब यहाँ से हम निकलते हैं, भूख भी लगी, बाहर जाके कुछ खाते हैं, बाद में वहाँ पे जाएंगे। लेट्स गो। एंड हाँ गाइस, हाउ आई एम लुकिंग टुडे, लेट्स कमेंट इन कमेंट बॉक्स। लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज माय टुडेस आउटफिट। वाइट ब्लू टी शर्ट, ब्लैक गॉगल्स, जींस एंड ब्लैक शूज। अब निकलते हैं, लेट्स गो। अनिरुद्ध मड़िया। इसे कष्ट में फंसा दिए हो रे भगवान जी, ट्रेन भी आ रही, ट्रैफिक भी फंस रहा एंड भूख भी ज्यादा लग रहा एंड पेट्रोल भी खत्म हो रहा। इतनी बड़ी बड़ी टंकी पूरी पेट्रोल की जा रही है, क्या बात है। एक टंकी हमको दे दो भैया। गाइस, हम पहुंच चुके हैं काइट फेस्टिवल वाला जो रिवर फ्रंट फ्रंट के पास एरिया है वहाँ पे, एंड बाइक भी यहाँ पे पार्क कर दिए। इस बार बाइक बाइक सब कुछ पार्क करने की जगह ठीक है, चलता इतना। और भूख लगी है यार, बहुत से फॉरेनर्स लोग भी आए हैं, मिलेंगे हम फॉरेनर्स लोग को भी। लेट्स गो। पीछे से कोई मेरे को ठोक जाएगा रे बिड़ू। ये देखो दूसरी आरस, हमने वेस्ट बैंक वाली बड़ी सी बिल्डिंग। एंड गाइस, यहाँ पे शाम को प्रोग्राम होता है एंड अब अंदर शायद आई थिंक स्टॉल वगैरह सब कुछ होगा, दिखाते हैं हम आपको। सिक्योरिटी विक्योरिटी सब कुछ टाइट है। फॉरेनर्स होते हैं उन लोगों के लिए पार्किंग अलग से है, इंटरनेशनल पार्किंग करके वहाँ पे बोर्ड मारे। मैं उधर घुस गया था, वो बोले 5 नंबर पे निकल जाओ, वहाँ पे पार्किंग करने का है। सो यहाँ से एंट्रेंस है। भूख लगी है मेरे को बुड्ढी को बाल। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023। इस ये है कुछ इस तरह सा एंट्रेंस। अकेला ही आया हूँ, खाने के लिए ना कोई साथ में है एंड फोटो खिंचवाने के लिए भी कोई साथ में नहीं है। मैं और आप लोग बस यहीं पे अकेला घूमने जाओ, ना कोई फोटो खींचने वाला आपके पास होगा, ना कोई साथ में खाने वाला, लेकिन फिर भी हम खाएंगे, दूसरों के पास से फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, दो पार्ट है, एक साइड पूरा खाने का ही बंदोबस्त किया गया है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, उस तरफ से आता हूँ एंड जो एंडिंग का साइड है उस तरफ जाऊँगा। अगर किसी को बिजनेस करना है, थोड़े ही दिन बाकी है, इधर 2-3 स्टॉल एंड इस तरफ भी थोड़ी सी स्टॉल बाकी है, आके ले लो, खरीद लो एंड कुछ भी बेचना चालू कर दो खाने की चीज़। यहाँ से सब स्टार्ट होती है, पूरे खाने की चीज़ें सब कुछ मिल जाएगा आपको, पानी पूरी, चाइनीज़ सब कुछ, खिचू, भेल, दिल्ली चाट, भुंगड़ा बटाका, मैगी, दाबेली, वड़ा पाव, पफ सब कुछ मिल जाएगा, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती है तो फायर सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। ये पूरा उन लोगों का क्या बोलता है, एमसी का फायर इमरजेंसी सर्विस का ट्रक भी लेके आए हैं। एंड इस तरफ थोड़ी सी कुछ ऐसी शॉप है जो सब कुछ सामान वामान बेचने के लिए लेके आते हैं। कहीं पे भी बीच बीच में खड़ा हो जाता हूँ और वीडियो शूट करने लगता हूँ, भाई अलग ही मजे है यार। एंड इस तरफ देखो, सब लोग मेरे को बोलते होंगे पागल है क्या। इस तरफ भी लेडीज लोग का सब कुछ है, चप्पल कपड़े वगैरह सब कुछ, बर्तन सर्तन। एंड ये घर के थोड़े से सामान वामान जो सजाने वजाने के होते हैं, हमें ये थोड़ी ना देखना है यार। लेट्स गो अदर साइड। एंड यहाँ पे पटोला वगैरह सब कुछ
ज़्यादातर मेरे को दिखा कपड़े की ही चीज़ दिखी है एंड लड़कियों की ज़्यादा है चीज़ें बिकने वाली। एंड यहाँ पे थोड़ी सी पतंग वतंग है सब कुछ, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रही सभी काइट। एंड अब जाते हैं हम अदर साइड, यहाँ पे सब कुछ पतंग वतंग सब कुछ उड़ाते हैं एंड हिस्टोरी ऑफ काइट ये भी देख लेते हैं। मतलब ये काइट हिस्ट्री में सब कुछ यही बताया गया है कि जब फर्स्ट टाइम वॉर हुआ था सब कुछ, तब पतंग का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था। कोई जर्मन का सैनिक था, उसकी डेथ हो गई थी, सो लिफाफा वगैरह सब कुछ भेजने के लिए पतंग का यूज़ किया था फर्स्ट टाइम युद्ध में, वॉर्स में। ओके और काइट का यूज़ स्पोर्ट्स को ऊपर लाने का भी एक मतलब है, ऐसा भी लिखा गया था। एंड यहाँ पे इस तरफ काइट फोटो गैलरी है, इसमें भी जाके देखते हैं क्या है। वेटिंग का तो गाइस ये काइट गैलरी वाला तो सब कुछ बंद है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। क्या बात है यार, इधर फर्स्ट एड मेडिकल टीम वगैरह सब कुछ हाजिर है एंड थैंक गॉड पानी का काउंटर भी इधर है। गाइस हम थोड़े लेट आए हैं, जो काइट वाइट बड़ी बड़ी काइट उड़ाना होता है वो 10 से 5 बजे होता है, यहीं पे ही होता है, हम ही लेट आए। अब वेट करते हैं, वहाँ पे सब कुछ प्रोग्राम वगैरह सब कुछ होता है, देख के जाएंगे वरना बाद में आएंगे। ओके इतनी भीड़ होती है, हम फोटो कहाँ पे खिंचवाएंगे यार, फिर अच्छा अच्छा थंबनेल कैसे आएंगे। एंड ये इस तरफ है रिवर फ्रंट वाला एरिया, गाइस आप देख रहे हो वो सामने जो बड़ा स्टेज है ना, वहीं पे ही सब कुछ प्रोग्राम सब कुछ होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं प्रोग्राम के लिए, आज पता नहीं कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, सो वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन मेरा फोटो खींचने के लिए कोई नहीं है इधर, गेट पे दिखाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी है इधर, 182 मीटर वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू। एंड यहाँ पर है नादाबेट द्वार, इंडो पाक बॉर्डर, ये इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना उसका गेट है। एंड इधर ये है, ये इसको क्या बोलते हैं गाइस, मेरे को नहीं मालूम रे सच्ची में, ये ऊपर तो डायनासोर है ये तो मेरे को मालूम है, ये नीचे क्या है ये नहीं मालूम मेरे को, तो बताओ कॉमेंट करके क्या है। एंड अब यहाँ पर दिखाते हैं ये गेट भी कहाँ का है मेरे को नहीं मालूम, क्या यार जनरल नॉलेज की तो वाट लगी पड़ी है यहाँ पे। और ये यहाँ पे हम है, देख लिया हमारा फोटो भी इधर लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे को गाइड गैलरी ना उधर फोटो खिंचवाने के लिए जाना था, लेकिन क्या करे यार बंद है सब कुछ, कुछ खाते अब भूख लगी मेरे को। हमने बोला था एक वड़ा पाव और एक समोसा, दो दे दिए भाई, किसको खिलाए अब। गाइस हमने खाना वाना तो खा लिया, सो यहाँ का सब ये सेक्शन तो ख़त्म हो गया। एंड ये है जो स्टार्टिंग का गेट, ब्राइटनेस इतनी हाई कर दी ना मैंने, ऐसा लग रहा मैं फॉरेन में रहता। सामने अंकल जी भी बैठे हैं, मिल लेते हैं उन लोगों से क्या बोल क्या। ये प्रोग्राम वोग्राम का सब कुछ तो 8 बजे से 10 बजे लेकिन सब कुछ है। एंड जो काइट फेस्टिवल वाला होता है वो सुबह 10 से 5 तक का होता है। सो गाइस यहाँ से निकल दे
ये प्रोग्राम वाला सब कुछ तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक है, हम थोड़ा जल्दी आ गए। अरे लेकिन मेरे को कोई फॉरेनर नहीं मिला रे ब्रो, उन लोगों के पार्किंग में डायरेक्ट निकल जाना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा उन लोग का इंटरव्यू लेना है आपके लिए। सो गाइस यहाँ से तो हम निकलते हैं। ये क्या चे 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 बच्चे सब लोग कितना चिल्लाते यार, कोई गलत कमेंट मत करना, फ्यूचर को मत देखो अभी से। एंड हाँ गाइस यहाँ से हम निकलते हैं, सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है इतना डाल देते अभी। टाटा बाय बाय वीडियो। अबे इतना ब्राइटनेस कहीं को हो जाता है रे। वीडियो कैसा लगा ना कमेंट कर देने का, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, इस गरीब की कोई मदद कर दो। ये ट्रैफिक पूरा मेरे लिए वेट कर रहा है, जब मैं जाऊँगा तभी सब। लेट्स गो बाय।